नाउ फ्रेंड्स, सैंपल प्रॉब्लम थ्री कह रहा है टैन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा एस थीटा इंक्रीजेस। अब देखो, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसको मैं आपको फील करा देता हूँ, ठीक है? और फील कराने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चल रहा है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपकी, ठीक? तो यहाँ पे देखिए, ये होता है आपका 0 डिग्री, ठीक? और यहाँ कहीं होता है आपके पास 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर क्या आपके पास 60 डिग्री, और फिर क्या आपके पास 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से अगर आप देखोगे, फटाफट नोट कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका साइन, फिर यहाँ हो गया आपका कॉस, फिर यहाँ हो गया आपका टेन, ठीक? तो आपको जैसा कि पता है कि साइन की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, ठीक? और साइन 60 क्या होता है, √3/2, है ना? और साइन 90 होता है 1, ठीक? कॉस क्या होता है, कॉस यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दोगे ना, फिर ये √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2, और फिर आ जाएगा 1/2, और फिर आ जाएगा 0। और टेन की बात करोगे, टेन 0 0, ठीक? फिर टेन 30 क्या होता है, 1/√3, टेन 45 होता है 1, और टेन 60 होता है √3, और टेन 90 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? ये बातें हमें पता है। उसने हमको बोला कि भाई टेन थीटा इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है, और साइन थीटा भी इंक्रीज करता है जब टेन थीटा जब थीटा इंक्रीज करता है, मतलब थीटा के इंक्रीज करने से साइन और टेन दोनों की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन टेन थीटा तेजी से इंक्रीज करता है, फास्टर इंक्रीज करता है, ये कह रहे हो। क्या ये ट्रू है? आइए चेक करते हैं। देखो, आप साइन और टेन में कंपेयर करो, ठीक? यहाँ पे कंपेयर करिए, ये रहा साइन, ये रहा टेन, ठीक? अब साइन 0 0, साइन 31/2, ठीक? साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2, ओके? सो 1/√2, 0 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ हो गया 1, ठीक है? तो एंगल्स यहाँ पे नोट करने तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे एंगल क्या है 0, ठीक? नेक्स्ट वाला एंगल क्या है आपका 30, और नेक्स्ट एंगल क्या है आपका 45, नेक्स्ट है एंगल आपका क्या 60 डिग्री, और नेक्स्ट है एंगल आपका 90 डिग्री, ओके? उसके बाद टेन, ये कितना हो जाएगा 0 1/√3, 1, और ये हो गया √3, और ये हो गया क्या नॉट डिफाइंड। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जब आप 0 से 30 पे गए, 0 डिग्री से 30 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 0 से बढ़ के 0.5 हो गई, 0.5 हो गई, ओके? तो 1/2 का मतलब 0.5, ठीक? 1/2 का मतलब थोड़ा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? ये लीजिए, ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5, ठीक? अब 1/√2 का क्या मतलब होता है, इसको आप सॉल्व करिए, जस्ट ये फील करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 1/√2, 0.7, ओके? 0.7, बस इतना काफ़ी, इतना काफ़ी। यहाँ आ जाएगा 0.8, √3/2 करोगे 0.8 के आसपास आएगा। अब देखो, 1/√3 को सॉल्व करो, 1/√3 को सॉल्व करो, सो 1/√3 कितना आ गया, 0.57, ओके? सो 0.57, ठीक? थोड़ी सी मुझको बच्चों यहाँ पर जगह चाहिए, जगह नहीं है, 0.57, समझ गए? अब देखो जरा, जब आप 0 डिग्री से 30 डिग्री पे आ रहे हो, ठीक, तो साइन की वैल्यू तो केवल कितनी इंक्रीज कर रही, 0 से 0.5 हो जाती है बस, एग्जैक्टली चेक कर लो, 1/2 का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.5। लेकिन जब आप थीटा को 0 से 30 डिग्री थीटा को इंक्रीज कर रहे हो, तो टेन थीटा कितना इंक्रीज होता है, चेक करो, ये 0 से ओनली 0.5 तक पहुंचा, कौन, साइन। लेकिन टेन कहां से कहां पहुंच गया, टेन अपनी जीरो वाली वैल्यू से 0.57 पे पहुंच गया। यहां पे कितने का चेंज आ रहा है, 0.5 का, भाई 0 से बढ़ के 0.5 हो गया, और यहां 0 से बढ़ के 0.57 हो गया। तो टेन थीटा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। यहां पे देखिए, 30 डिग्री से 45 डिग्री जंप करोगे तो साइन कितना बढ़ेगा, 0.5 से बढ़ के कितना हो गया 0.7, यानी कि केवल कितना चेंज आया, 0.2 के आसपास। इसमें से इसको माइनस करो, 0.7 माइनस 0.5 0.2, केवल 0.2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो यहां पे इंक्रीमेंट कितनी आ रही है, 0.2 की। नीचे देखो, 0.57 से बढ़कर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक? यानी कि 1 माइनस 0.51, 1 का मतलब 1.00 में से 0.57 माइनस करोगे, ठीक है? 10 माइनस 7 कितना होता है, 3, और यहां पे हो जाएगा 9 माइनस 4, ये देखिए 0.43, ठीक? तो यहां पे 0.4 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 0.43 का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो देखा, एंगल के इंक्रीज करने से साइन थीटा भी बढ़ता है, टेन थीटा भी बढ़ता है, लेकिन तेजी से कौन बढ़ता है, ज्यादा वैल्यू करके कौन बढ़ता है, टेन बढ़ता है, ठीक है ना? तो एक तो तरीका ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से समझने का, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा तरीका ये कि
वन बाय रूट टू की वैल्यू कौन निकाले, वन बाय रूट थ्री की वैल्यू कौन निकाले, है ना। तो मैंने ये मैंने आपको फील करा दिया, अब एग्जाम में कैसे करेंगे उसको देखो जरा। पहली बात तो याद कर लेंगे कि थीटा के इंक्रीज करने से जो टैन थीटा है वो साइन थीटा के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से, टैन थीटा जो है साइन थीटा के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। ओके, अब देखिए एग्जाम में हम कैसे करेंगे, ध्यान दें, एग्जाम में हम इस तरीके से करेंगे, हम उनको बोलेंगे भाई देखो टैन थीटा कितना होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब थीटा के इंक्रीज करने से अगर थीटा क्या करेगा, एस एस थीटा इंक्रीजेस, अगर थीटा इंक्रीज करेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर थीटा इंक्रीज करेगा, देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज पहले आप समझ लो। देखो मान लो आपके पास न्यूमरेटर में लिखा है टू और डिनोमिनेटर में लिखा है वन, वन नहीं फोर ले लेते हैं, फोर नहीं एट ले लेते हैं, ठीक, एट। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय फोर यानी कि 0.25, ठीक। अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर को बढ़ा दें, न्यूमरेटर को बढ़ा के हमने कितना कर दिया टू से फोर, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दें फोर से, एट से घटाकर हमने कितना कर दिया इसको फोर कर दिया। ओके, अब देखो आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर को और बढ़ा दिया, न्यूमरेटर को एट कर दिया और डिनोमिनेटर को फोर से डिक्रीज करके टू कर दिया, अब आंसर कितना आ गया, फोर। तो देखा आपने, ये देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रही है, पहले 0.25 थी, फिर वन आ गया, फिर फोर आ गया, क्या करने पर, न्यूमरेटर को इंक्रीज करने पे और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने पे। ओके, न्यूमरेटर लगातार बढ़ रहा है, पहले टू था फिर फोर हो गया फिर एट हो गया, और डिनोमिनेटर लगातार डिक्रीज कर रहा है, पहले एट था फिर फोर था फिर टू, यानी कि न्यूमरेटर का बढ़ता चला जा रहा है और डिनोमिनेटर का घटता चला जा रहा है, तो वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाएंगी, वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो आप देखो इसका न्यूमरेटर लगातार बढ़ता चला जाएगा, भाई थीटा के बढ़ने से साइन थीटा तो बढ़ता चला जाता है ना, टेबल देखो जाके, टेबल देखो, ये थीटा है, ठीक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साइन और यहाँ पे देखिए कॉस, ठीक, थीटा के इंक्रीज होने से आपका वैल्यू बढ़ता चला जाता है साइन का, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक, और साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस के लिए थीटा इंक्रीज होने से वैल्यू डिक्रीज करता जाता है 1 1/√3/2 और कितना हो जाएगा यहाँ 1/2 और 0, जिसको भरोसा नहीं है कैलकुलेटर से आप निकाल के देख सकते हो। ओके, तो कैलकुलेटर से आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा के इंक्रीज करने से साइन करेगा इंक्रीज और कॉस करेगा डिक्रीज, यानी कि यहाँ पर देखिए थीटा इंक्रीज करने से न्यूमरेटर क्या करता चला जा रहा है, इंक्रीज, और डिनोमिनेटर क्या करता चला जा रहा है, डिक्रीज। तो क्या कंडीशन होगी कि इसका जो आंसर आएगा वो लगातार क्या करेगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा, बहुत फास्टर इंक्रीज करेगा। अब साइन थीटा को देखो, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को तो बस आप साइन थीटा बाय वन लिख सकते हो, बस साइन थीटा के नीचे तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा नहीं, साइन थीटा को साइन थीटा बाय वन लिख सकते हो। अब वन तो हो गया फिक्स, वन हो गया फिक्स, वन फिक्स हो गया, वन का तो कुछ नहीं, वन तो वन है। और थीटा के इंक्रीज करने से एस थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा क्या करेगा, लगातार इंक्रीज करेगा। अब करने दो, नीचे वन है कोई फर्क ही नहीं होगा, नीचे वन है कोई फर्क ही नहीं होगा, थीटा के इंक्रीज करने से साइन थीटा बाय वन, हर एक बार साइन थीटा बाय वन, साइन थीटा बाय वन, नीचे वन से कोई मतलब नहीं है, वो कोई फर्क नहीं करेगा, वन तो कांस्टेंट हो गया ना। तो थीटा के इंक्रीज करने से साइन थीटा इंक्रीज करेगा, लेकिन टैन थीटा ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि टैन थीटा के लिए कौन कौन, टैन थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, डिनोमिनेटर में यहाँ कांस्टेंट नहीं है, डिनोमिनेटर भी लगातार चेंज हो रहा है, थीटा इंक्रीज करोगे ऊपर वाला तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाला लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो टैन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, यानी कि साइन थीटा के बढ़ने से टैन थीटा एक तो बढ़ेगा, और टैन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के, यानी कि अगर कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा होगा तब भी टैन थीटा इंक्रीज करेगा, और यही तो हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाओगे थीटा इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, तो ये भी टैन को इंक्रीज कर रहा है और ये भी टैन को इंक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा के डिक्रीज होने से टैन इंक्रीज होगा, यस सर, क्योंकि टैन कॉस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई थिंक अब आपको बात समझ में होगी, यहाँ पे टैन को बढ़ाने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, साइन और कॉस, साइन के बढ़ने से टैन बढ़ेगा, कॉस के घटने से टैन बढ़ेगा, तो टैन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और साइन को इंक्रीज कराने के लिए कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल है, साइन को इंक्रीज कराने के लिए केवल साइन रिस्पॉन्सिबल है, वन तो कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, तो साइन टू रेशियोज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बात समझ में आई कि नहीं, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब यही बात आपको एग्जाम में लिखनी है, ये देखिए आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे नाउ, ये देखिए ऐसे लिखोगे, सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, वी नो दैट साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस बट कॉस थीटा डिक्रीजेस एज
थीटा इंक्रीजेस। सबसे पहले ये लिखोगे आप अपनी कॉपी में क्या कि साइन थीटा इंक्रीज करता है और कॉस थीटा डिक्रीज करता है, कब, जब थीटा इंक्रीज करता है। फिर आप लिखोगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर आप बोलोगे कि भाई एस थीटा इंक्रीजेस, जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा इंक्रीज करता है बट कॉस थीटा डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, ठीक। देयर फोर इन द केस ऑफ टेन थीटा द न्यूमरेटर इंक्रीजेस एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, ठीक। बट इन केस ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा के केस में विच कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय वन, ठीक, ओनली द न्यूमरेटर इंक्रीजेस, केवल न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर रिमेंस फिक्स एट वन, तो हेंस टेन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा इंक्रीजेस। इस तरीके से टेन थीटा ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा रादर देन साइन थीटा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।